जेएलकेएम से निरसा विधानसभा से टिकट मिलने के बाद अशोक मंडल ने बारबेंदिया स्थित आवास में अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जिसमें निरसा में एक बार फिर से जीत के लिए अपील करते हुए निरसा को विकास की ओर ले जाने का लोगों से वादा किया। साथ ही ये कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके नेता और कार्यकर्ता बातचीत करते हैं, वैसा ही वो झारखंड के लिए करना चाहते हैं। निरसा से अशोक मंडल ने जेएलकेएम से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जयराम महतो अक्सर ही हक और अधिकार की बात करते रहते हैं, इसी तरह निरसा की जनता की लड़ाई अशोक मंडल भी आगे करता रहेगा। उन्होंने पूर्व में निरसा के प्रतिनिधित्व कर रहे अरूप चैटर्जी और अपर्णा सेन गुप्ता पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज दोनों पार्टियों के नेताओं ने सिर्फ अपना ही विकास किया है। चुनाव के दौरान मतलब क्या आपका एजेंडा रहेगा मुख्य रूप से, और लोगों के बीच चूंकि इतने सालों से आप जेएमएम के साथी रहे हैं, जेएमएम के लोग, तो वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मतलब किस तरह से अपने पक्ष में मतदान की बात करेंगे और क्या मुख्य एजेंडा रहे, क्या लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए साथी, हम सभी मनुष्य है और मनुष्य के कुछ अपना अधिकार, अपनी हक रखने का बात, करने का बात, चलने का बात रख सकता है। जहाँ तक बात है, आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं, निश्चित रूप से अगर पत्रकारिता कहा करते हैं, अपनी हक अधिकार की बात में इनके बीच में रखने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हम देखते हैं काम करते हैं किसी न किसी रूप में लोग एक जगह से दूसरे जगह कब जाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मैं अहंकार के साथ कह सकता हूँ, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं एक फाउंडर मेंबर होने के नाते हमने इस दल को सीने का काम हमने किया है। और जब हमने 2 से 3 बार यहाँ पर चुनाव लड़े